नमस्कार साथियों, मैं रितेश राठौर समर्थन संस्था से। आज हम जानेंगे किसान सम्मान निधि पोर्टल के बारे में। आप सभी जानते ही होंगे कि भारत सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषकों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि 3 किस्तों में 2,000 रुपये की किस्त में प्रदान की जाती थी। आज हम गूगल और विभिन्न प्रकार के सर्च इंजनों के माध्यम से सीखेंगे कि किस प्रकार से किसान सम्मान निधि का हम बेनिफिशरी का स्टेटस हम देख सकते हैं, किसी का नया रजिस्ट्रेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी किसान का पंजीयन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसका जो राशि है वो किस खाते में जा रही है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे गांव में से कितने हितग्राही हैं जिसे इस किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे किसान सम्मान निधि पोर्टल के बारे में। सबसे पहले हम टाइप करते हैं गूगल पे PM किसान सम्मान निधि। जैसे हम गूगल पे टाइप करते हैं PM किसान सम्मान निधि, तो हमारे सामने PM किसान सम्मान निधि से संबंधित एक ऑफिशियल लिंक जारी होती है, PMkisan.gov.in, ठीक है। इसे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने PM किसान सम्मान निधि को लेकर एक ऑफिशियल होम पेज ओपन होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे फार्मर कॉर्नर नाम का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस ऑप्शन के नीचे आप देखिएगा, आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशरीज स्टेटस, बेनिफिशरीज लिस्ट, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, CSC फार्मर्स, और भारत सरकार के द्वारा एक PM किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, जिसे हम प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, फार्मर कॉर्नर में आपको जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम किसी ऐसे हितग्राही का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसे अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन होता है इंटर द आधार नंबर, तो हम उस हितग्राही का आधार नंबर फिल करते हैं। तो मेरे पास एक आधार नंबर है, हम उसे डालते हैं। और सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कैप्चा कोड, ठीक है। तो कैप्चा कोड आप यहाँ पे फिल करते हैं। आधार नंबर आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसी व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जिसे अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंटर इमेज टेक्स्ट, तो हमारे सामने जो टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है कैप्चा, उसको हम टाइप करते हैं। जैसे हम इंटर द कैप्चा कोड टाइप यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हमारे सामने सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है, सर्च का हम क्लिक कर देते हैं। जैसे सर्च को हम क्लिक करते हैं, तो यदि उस व्यक्ति का किसान का यदि फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स, ठीक है, उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स, डू यू वांट टू रजिस्टर्ड ऑन PM किसान पोर्टल, क्या इनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्या आप इनका किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं, तो उस PM किसान सम्मान निधि को लेकर एक फॉर्म ओपन होता है, जिसमें हम उस किसान की संपूर्ण जानकारी हमें फिल करना होती है। तो हम आइए देखते हैं हम किस प्रकार से फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है स्टेट, स्टेट हम सिलेक्ट कर देते हैं उस व्यक्ति का, डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करते हैं, और सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, और फार्मर का नाम। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा कि जो आधार कार्ड पे हमारा जो डिटेल्स डली हुई है, वही हमें डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे फार्मर का नाम हमें आधार कार्ड के अनुरूप फिल करना है। जेंडर मेल या फीमेल, कैटेगरी, फार्मर टाइप, किस प्रकार का किसान है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था लघु और सीमांत कृषकों को इस योजना का लाभ मिलता है। अगला ऑप्शन है आधार नंबर। आधार नंबर आप देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक अपडेट है वो, जैसे हमने शुरू में आधार नंबर एंटर करा था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है IPSC कोड। किसान के पास जो भी पासबुक होती है उसमें एक IPSC कोड डला हुआ था, उस IPSC कोड को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अगला ऑप्शन होता है बैंक का नाम, जिस भी बैंक में किसान अपने जो राशि डलवाना चाहता है, तो उसमें उस बैंक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है अकाउंट नंबर। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि अकाउंट नंबर बहुत लगभग 10 से 12-15 अंकों के होते हैं, तो उसमें हम गलती कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर सावधानीपूर्वक इसको फिल करिएगा। अगला ऑप्शन होता है एड्रेस का, तो आधार नंबर पर जो एड्रेस लिखा होता है हम वो फिल कर देते हैं। उसके बाद होता है सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, तो हमारे द्वारा जो जानकारी फिल की गई है वो उसे वेरीफाई करता है कि जानकारी सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन होता है सिंगल या ज्वाइंट। सिंगल और ज्वाइंट का मतलब होता है कि यदि व्यक्ति की जो खेती होती है या पावती उस व्यक्ति के नाम पे होती है या रकबा जो होता है उसका वो खुद स्वयं के नाम पे है या फिर सम्मिलित खाता है। ठीक है, यदि स्वयं के नाम पे जमीन होती है तो वहाँ पर हम सिंगल अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। और यदि ज्वाइंट खाता होता है, यदि सम्मिलित खाता होता है तो वहाँ पर हम ज्वाइंट ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है सर्वे, खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया या रकबा। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए हमें ऐड पर क्लिक करना होता है। जैसे हम ऐड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन ओपन होते हैं जिसमें हम सर्वे नंबर, खाता नंबर डालते हैं, सर्वे नंबर जो पासबुक के हमारी जो पावती बनी होती है उस पर लिखा होता है। अगला ऑप्शन होता है खसरा नंबर, खसरा नंबर भी हमारी पावती जो खेत का रकबा होता है पावती होती है उस पर लिखा होता है खसरा नंबर। अगला ऑप्शन है एरिया, उस पावती पर उसका उस किसान का कितना रकबा है। ठीक है, उस रकबे को हमें यहाँ फिल करना होता है, कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फॉर्मर अदर डिटेल्स नॉन मैंडेटरी पैरामीटर्स। ठीक है, ये नॉन मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ नहीं भी फिल करेंगे तब भी हम कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर भी हम फिल कर देते तो हमें इसका उपयोग आगे मिलता है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है मोबाइल नंबर, इंटर द मोबाइल नंबर पर हम उस किसान का जो भी मोबाइल नंबर होता है, यदि हो सके तो कोशिश करिएगा कि जो आधार नंबर पर मोबाइल नंबर लिखा होता है वही फिल करें। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार टाइप फिल करें। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हस्बैंड, मदर से या फादर से का नेम, है ना, फादर से या मदर या फिर हस्बैंड का नाम, तो पिता पति और पत्नी जो भी हो आप वहाँ पे सिलेक्ट टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है चेक बॉक्स, आपको दिखाई दे रहा होगा चेक बॉक्स होता है आई सर्टिफाई दैट ऑल गिवन डिटेल्स आर करेक्ट, प्लीज रीड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर देते हैं कि हम ये सत्यापित करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी भरी गई वो पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है, और जो आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव, तो हम सेव के ऑप्शन को दो बार क्लिक करते हैं। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम किसी भी किसान बंधु का जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैंक जाते हैं, बैंक जाने के बाद आपको जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशरी स्टेटस, बेनिफिशरी स्टेटस के माध्यम से हम उस किसी भी किसान का जैसे किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है उसका स्टेटस हम देख सकते हैं कि उसकी कितनी राशि और किस खाते में जा रही है। ठीक है, तो हम बेनिफिशरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से तीन प्रकार के ऑप्शनों से उस व्यक्ति का स्टेटस देख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था मोबाइल नंबर, यदि आप मैंडेटरी जो होता है नॉन मैंडेटरी जो होता है यदि हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं तो हम मोबाइल नंबर के माध्यम से भी उस व्यक्ति का स्टेटस देख सकते हैं, वरना फिर हम आधार के माध्यम से आसानी से देख लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक आधार नंबर है जिसे मैं फिल करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से उसका स्टेटस हम देख सकते हैं। जैसे हम आधार नंबर यहाँ पर फिल करते हैं उसके बाद गेट डाटा पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने गेट डाटा पे क्लिक किया तो हमारे सामने उस किसान बंधु का पूरा स्टेटस आ जाता है कि उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है या फिर किस स्टेट का रहने वाला है, पूरी जानकारी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम मैं बताने जा रहा हूँ, अकाउंट नंबर, क्योंकि अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है कि उसका जो सरकार के द्वारा पैसा तो जारी होता है किंतु किसी अन्य के खाते में भी चले जाता है। हम अधिकांश केस हम आपको देखने को मिलेंगे कि पेंशन जैसी जो राशि मिलती है उसका जो पैसा होता है किसी अन्य के खाते में चला जाता है, तो हमें थोड़ी यहाँ पे सावधानी रखना होती है कि जो ये राशि मिल रही है क्या वास्तव में उसी किसान के खाते में जा रही है या नहीं। तो हम थोड़ा सा अकाउंट नंबर को सावधानी पूर्वक देके मैं आपको ये सामने कर्सर भी रख रहा हूँ, अकाउंट नंबर ये किसान के होते हैं। इसके साथ में जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है हमें वो उस एक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है, या उस व्यक्ति का जो किसान सम्मान निधि की जो फॉर्म हमने फिल किया तो वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और किसान ये वेट करते रहता है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया, तो हम यहाँ से उसको देख के बता सकते हैं कि भैया आपका फॉर्म खाता एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगला ऑप्शन होता है PFMS या बैंक स्टेटस, तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उसका जो रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म हम फिल कर देते हैं, किसान बंधु वेट करते रहता है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया है,
पर अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि उसका फॉर्मर का जो रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे हम आते हैं इंस्टॉलमेंट किस्तों के ऊपर हम बात करेंगे कि किस्त कौन सी किस्त किस तारीख को डली है। ठीक है, जैसे फर्स्ट किस्त की हम बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हैज बिन डन, है ना, पेमेंट डन अर्थात कि पहले जो किस्त है वो डल चुकी है। यदि हम बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका पैसा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम अकाउंट नंबर की तो अकाउंट नंबर हितग्राही की यह है किसान बंधु के। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 4/9/2019 को पहली किस्त व्यक्ति की डली थी। इसी प्रकार जितनी भी सारी किस्त होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये इस प्रकार से सालाना चलती रहती है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो किसान सम्मान निधि की जो राशि होती है वो वर्ष में केवल 6000 रुपये ही डलती है और 2000 रुपये की प्रति किस्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं वापस फॉर्मर कॉर्नर। हम जिस फॉर्मर कॉर्नर के ऑप्शन पे हम गए थे उसमें हम बेनिफिशरीज लिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। बेनिफिशरीज लिस्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो उसे हम क्लिक करके हमारे पंचायत या गांव में ऐसे कितने हितग्राही हैं जिसे इस किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है उसकी पूरी हम सूची यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेनिफिशरीज लिस्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। बेनिफिशरी लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है स्टेट का, तो हम स्टेट जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हमने सिलेक्ट कर लिया, मध्य प्रदेश हमने सिलेक्ट कर लिया। मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़वानी है, बड़वानी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आता है तो सब डिस्ट्रिक्ट हमारा राजपुर है। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है ब्लॉक, तो ब्लॉक भी हमारा राजपुर है। ठीक है, राजपुर सिलेक्ट कर लिया। और विलेज की हम बात करें तो हम राजपुर ब्लॉक के किसी भी विलेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अगलगाँव पंचायत हम ले लिया, अगलगाँव विलेज। जैसे हमने अगलगाँव विलेज सिलेक्ट किया तो हमारे सामने जितने भी किसान बंधु है उनकी पूरी सूची जारी हो जाती है, इतने किसान इस गांव में हैं। और यहां पे आप सबसे लास्ट नंबरिंग देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, तो हम लास्ट पेज पे जाके देखते हैं कि यहां पे इस विलेज में कितने किसान बंधु है जिसे इस योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो हम यदि अगलगाँव विलेज की बात करें तो यहाँ पे 178 किसान बंधुओं को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन। स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो हमने पहला ऑप्शन देखा था न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिस भी व्यक्ति का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की स्थिति हम जान पाते हैं इस स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर के माध्यम से। स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के माध्यम से हम ये जान लेंगे कि हमने जो फॉर्म फिल किया था वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद उस व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं और जो कैप्चा कोड दिया उसे हम फिल कर देते हैं, तो हमें हमारे सामने उस व्यक्ति का स्टेटस पूरा बता देगा कि इस व्यक्ति का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, हमने आज किसान सम्मान निधि पोर्टल के बारे में सीखा कि किसान सम्मान निधि पोर्टल क्या है, ये किसके लिए, इसमें किस प्रकार से किसी बेनिफिशरी का स्टेटस हम देख सकते हैं, साथ ही साथ जो किसान का अमाउंट जो होता है, पैसा जो किस्त होती है वो किस खाते में जा रही है, हमने देखना सीखा। समर्थन संस्था के द्वारा सतत प्रयास किया जाता रहा है कि गांव के सक्रिय युवा साथी, पंचायत प्रतिनिधि एवं समूह संगठन की दीदियों के माध्यम से शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं विभिन्न प्रकार के पोर्टलों के बारे में समझे, सीखे एवं गांव में पात्र हितग्राहियों को उसका लाभ दिलवाने में सहयोग करें। धन्यवाद।